दोस्तों आज AEW रैम्पेज के एपिसोड में ROH प्योर चैंपियन विलर यूटा वर्सेस जॉन मॉक्सली का मैच होता है और ये मैच काफी कमाल का मैच था। दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस काफी लाजवाब की थी और इस मैच के दौरान जो यूटा है उन्हें काफी ब्लड निकलता है और पूरा चेहरा ब्लड से मान लो ढक जाता है, कवर हो जाता है। और इस मैच के एंड में विलर यूटा को अपना सबमिशन मूव लगाते हैं जॉन मॉक्सली, जिसकी वजह से विलर यूटा नॉकआउट हो जाते हैं और इस मैच में हार जाते हैं। लेकिन जॉन मॉक्सली की जीत जरूर हुई है इस मैच में, लेकिन विलर यूटा भी पूरी तरह से इस मैच में हारे नहीं है। और इस मैच के बाद जॉन मॉक्सली ने हैंडशेक किया और उन्हें शाबाशी दी जो विलर यूटा है उन्हें, और विलियम रेगल ने भी हैंडशेक कर लिया विलर यूटा से। और लगता है कि जो विलियम रेगल की टीम है डेनियल ब्रायंसन एंड जॉन मॉक्सली की, उसमें विलर यूटा इन फ्यूचर शामिल जरूर होंगे। और दोस्तों जैसे ही रैम्पेज का ये एपिसोड ऑफ एयर होता है, एंड होता है, उसके बाद डेनियल ब्रायंसन एंड विलियम रेगल ROH प्योर चैंपियनशिप को यूटा की वेस्ट पर बांधते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं उनके मैच के लिए, जिसके बाद टोनी खान भी आते हैं और वो भी यूटा के लिए एक बढ़िया और सपोर्ट करने वाला प्रोमो कट करते हैं और गुड नाइट कहते हैं AEW फैंस को। और काफ़ी अच्छा मैच यूटा ने आज ऑल एलीट रेसलिंग में लड़ा है। तो आपने इस मैच को देखा है तो कमेंट करके अपने थॉट्स जॉन मॉक्सली वर्सेस विलर यूटा के मैच पर जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर AEW एंड WWE न्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।